हेलो एंड वेलकम टू प्रद्युम्न क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग डिग्री पढ़ने वाले हैं और ये डिग्री का सेकेंड क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री सीखा था। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। चलिए, डिग्री अगर पढ़ रहे हैं हम लोग तो ये चीज तो आपको पता होगा कि डिग्री दरअसल तीन तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री इसके फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री सीखने जा रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो कंपैरेटिव में होगा। तो क्वेश्चन किस में होगा? क्वेश्चन होगा या तो पॉजिटिव में या फिर सुपरलेटिव। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पॉजिटिव डिग्री की, कि अगर कोई क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री में दिया हो और उसे कंपैरेटिव में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, कौन कौन से रूल्स होंगे, कौन कौन से ट्रिक्स होंगे, इन सारी चीजों का जिक्र करेंगे हम लोग इसकी वीडियो आज की इस वीडियो में। इसलिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको पूरी जानकारी है। देखिए, हमने हेडिंग दिया है चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। अब ये जो क्वेश्चन हमारा है पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ये लिखा है हमने कि राम इज नॉट एज गुड एज मोहन। सबसे पहले आपको पॉजिटिव डिग्री पहचानने आना चाहिए। कैसे पहचानेंगे कि कोई क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री में है? तो अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा कि पॉजिटिव डिग्री की मैंने एक खास पहचान बताई थी कि इसमें जो एडजेक्टिव होता है उसके आगे और पीछे दो वर्ड लगे होते हैं, वो होता है एज। ऐसा कोई भी एडजेक्टिव जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ एज लगा हो या फिर सो एज लगा हो, दरअसल वह क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री में होता है। अब इसको हमको कंपैरेटिव बनाना है तो कैसे बनाए? देखिए, एक एग्जांपल आपके सामने है, दो एग्जांपल समझेंगे इसमें। पहला एग्जांपल हमारा है कि राम इज नॉट एज गुड एज मोहन। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन देगा बनाने के लिए कंपैरेटिव में, तो वहां दिया नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन पॉजिटिव है कि सुपरलेटिव है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। हमने यहां जैसे क्वेश्चन का नंबरिंग दिया है, क्वेश्चन नंबर ए है। अब आप पहचानिए कि ये जो हमारा वर्ड है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ही मेन होता है डिग्री। इसके आगे पीछे हमने क्या लगा रखा है? एज के फॉर्म में है, अर्थात यह दिया गया क्वेश्चन किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है। तो ये तो हम कंफर्म हो गए कि ये एडजेक्टिव एज के फॉर्म में है तो पॉजिटिव है। अब कह रहा है कि इसको क्या करना है आपको, तो कंपैरेटिव में बदलना है, कंपैरेटिव बनाना है। कंपैरेटिव कैसे बनाइए उसका नियम समझते हैं। करेंगे क्या, ये जो दो सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, एक शुरू का और एक लास्ट का, पहला काम करेंगे कि इस दोनों को आपस में हम लोग बदल देंगे। अर्थात जहां पे राम है वहां पर मोहन आ जाएगा और मोहन की जगह पर क्या चलाएगा, राम चलाएगा। तो ये जो दो सब्जेक्ट है इस दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, बदल देंगे, एक दूसरे की जगह को बदल देंगे। राम की जगह पर मोहन और मोहन की जगह पर राम आ जाएगा। दूसरी चीज क्या करेंगे, ये जो इसमें एडजेक्टिव दिया हुआ है उसको हम लोग पहचानेंगे और उसको हम लोग कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। एडजेक्टिव हमारा गुड है और गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर होता है। तो ये गुड को हम लोग चेंज कर देंगे तो बेटर हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे इस गुड के साथ ये एज भी जुड़ा है, ये गुड यहाँ पर अकेला नहीं है, ये हमारा वर्ड है एज गुड एज, इसका कंपैरेटिव हमारा हो जाएगा बेटर। अब आते हैं बात इस नॉट की। तो इसके रूल्स में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग डिग्री पढ़ते हैं समझते हैं और कहीं पे भी अगर आपको नॉट हटाना हो तो उसके बदले हम लोग दैन छोड़ते हैं, और कहीं से भी हमको दैन हटाना हो उसके बदले हम लोग नॉट छोड़ते हैं। यहाँ क्या करेंगे, नॉट को चेंज करेंगे, नॉट हटाएंगे, इसके बदले में क्या लगा देना है आपको, दैन लगाना है। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाए, आसानी से आप क्वेश्चन को बना सके। ये हमने नॉट हटाया, नॉट के बाद में क्या लगा देंगे, दैन। अब देखिए बनाना कैसे है, ये मोहन उठ के यहाँ पर शुरू में आ गया, जो हेल्पिंग भरा है वो लगा देंगे मोहन इज। अब ये हमारा ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या है, बेटर है, बेटर के बाद में क्या लगा देंगे, ये दैन लगा देंगे। दैन जब भी आता है कंपैरेटिव के बाद आता है, या अगर एडजेक्टिव ईआर लगा हो तो उसके बाद आएगा सिंगल सिलेबल वाला, अगर डबल सिलेबल वाला एडजेक्टिव होगा तो उसमें मोर के बाद जो एडजेक्टिव होगा उसके बाद आएगा। तो यहाँ पर हमने दैन लगा दिया, बच गया राम, राम को यहाँ पर हिंदी मीनिंग की बात। हिंदी कहता है कि राम इज नॉट एज गुड एज मोहन, राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि मोहन।
और नीचे वाले का हिंदी होगा मोहन इज बेटर देन राम, मोहन राम से अच्छा है। तो एक तरीके से देखें दोनों हिंदी भले हैं अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन दोनों ही सेंटेंस का जो सेंस है वो दोनों सेंस एक है। ये रही पॉजिटिव से कंपैरेटिव चेंज करना, ये तो हो गया सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव। एक डबल सिलेबल एडजेक्टिव की हम बात करते हैं। आपको याद होगा डबल सिलेबल एडजेक्टिव किसको कहते हैं, वैसे एडजेक्टिव जो दो पार्ट से बने हो जिसको दो बार में हम लोग पढ़ते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन है कि सीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता। पहचानना है पहले आपको कि क्या ये क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री में है, तो एज लगा है इसका मतलब यह क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री में है। चलिए ये पहचान खत्म हो गई, अब इसको भी बनाना है, सेम नियम काम करेगा। ये जो सब्जेक्ट है सीता की जगह पर क्या लगा देंगे गीता, और गीता की जगह पर क्या लगा देंगे सीता, ये दो काम पहले करेंगे। ये हमने नाम चेंज कर दिया। अब आते हैं इस एडजेक्टिव के बाद, देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के साथ एज लगा है, एज ब्यूटीफुल, एज इसका कंपैरेटिव बनाएंगे। तो चूंकि ब्यूटीफुल जो है डबल सिलेबल वर्ड है, इसमें हम लोग कंपैरेटिव बनाने में ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या लगाते हैं, मोर ब्यूटीफुल लगाते हैं। इसमें ईआर नहीं लगता है, क्या लगाते हैं इसमें हम लोग, मोर लगाते हैं। एज ब्यूटीफुल एज का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज का यहां से नॉट हटाएंगे, नॉट के बदले क्या लगा देंगे, देन। अब आगे लिखेंगे कैसे, ये गीता यहां से उठ के शुरू में आ जाएगा, गीता हमारा यहां का ये बन गया शुरू में, गीता हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में है इसे लगाएंगे, ये एडजेक्टिव है इसके बदले लगाएंगे हम लोग मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद में देन लगता है, देन लगा देंगे, क्या बच गया सीता, सीता को यहां पर लोड कर देंगे जैसे तथा उतार देंगे। ये आपका कंपैरेटिव बनके तैयार हो गया, गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। देखिए इस तरह से पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं शुरू से लास्ट तक देखते हैं, और अच्छा होगा कि इसका एक नोट सा बना लें, तो इससे आपको आगे भी बहुत सारी चीजें समझने में आसानी होगी। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो अगर हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव से हमने कंपैरेटिव बनाया, अब हम लोग बात करेंगे कि सुपरलेटिव से अगर हमको कंपैरेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो बढ़ते हैं उसके। आइए अगर हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, देखिए इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि दरअसल सुपरलेटिव डिग्री भी दो तरह के होते हैं, ये रूल सबको याद होगा। एक सुपरलेटिव डिग्री वो होता है जिसमें केवल द लगा होता है, और एक सुपरलेटिव डिग्री वो होता है जिसमें वन ऑफ द लगा। तो दोनों सुपरलेटिव डिग्री के ही प्रकार है, लेकिन जिसमें द लगा होता है उसमें नाउन सिंगुलर होते हैं, और जिसमें वन ऑफ द लगा होता है उसमें नाउन प्लूरल्स होते हैं। जो लोग पहली बार ये डिग्री का क्लास देख रहे हो उनके लिए जरूरी है ये चीजें समझना। देखिए पहले आप क्वेश्चन समझिए, ये क्या पर हमने द लिखा है, द के बाद का ये नाउन सिंगुलर है, और दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पर वन ऑफ द लिखा है, इसमें जो हमारा नाउन है वो प्लूरल है। ये बेसिक रूल्स है डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री। अब आती है बारी की, अगर सुपरलेटिव डिग्री को चेंज करना है हमको कंपैरेटिव डिग्री में, तो कैसे चेंज करेंगे, क्या नियम होंगे। तो इसका सबसे पहला नियम होता है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री को हम लोग चेंज करते हैं, चाहे पॉजिटिव में चेंज करें या फिर उसको कंपैरेटिव में चेंज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। जब ही सुपरलेटिव डिग्री को चेंज करते हैं हम लोग, सबसे पहले सेंटेंस को दो भाग में बांटते हैं। सेंटेंस को तोड़ना जरूरी होता है, वो भी कितने भाग में, दो भाग में। कैसे तोड़ते हैं वो सिखाते हैं आपको। इसमें जहां एडजेक्टिव होगा, सुपरलेटिव डिग्री में जहां तक एडजेक्टिव होगा वहां तक फर्स्ट पार्ट होगा। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री आप पहले पहचानिए कैसे, ये तो आपको याद होगा, दो पहचान होता है, या तो उसमें est लगा होगा, est नहीं होगा तो most होगा, और हर हाल में उसमें द होगा। देखिए इसमें द भी है और ये जो एडजेक्टिव है इसमें est भी होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे उसको तोड़ेंगे, कैसे दो भाग में बांटेंगे, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये पूरा सेंटेंस चाहे जितना छोटा हो या जितना लंबा हो, पहला काम करेंगे जहां तक
जहां पे एडजेक्टिव दिखे वहां तक आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। मोहन इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट जो वर्ड है इसमें ईएसटी लगा है, यानी यहां तक हमारा ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। और बॉय इन दिस क्लास ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। ये तरीका होता है सुपरलेटिव डिग्री को दो भाग में बांटने का। एडजेक्टिव तक हमारा फर्स्ट भाग होता है, उसके बाद की चीजें सेकेंड भाग। अब करेंगे क्या, अगला रूप से इसमें क्या करता है हमारा कि ये जो एडजेक्टिव दिख रहा है सुपरलेटिव फॉर्म में, इसको चेंज करेंगे हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म में। तो टॉलेस्ट का कंपैरेटिव होता है टॉलर, ये तो आपको याद होगा, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, टॉलेस्ट सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव इसका हो जाएगा टॉलर। और जैसे टॉलर होगा कंपैरेटिव हमेशा अपने साथ देन लेता ही लेता है। ऐसा एडजेक्टिव जिसमें ईआर लगा हो उसमें आंख बंद करके उसके आगे आपको क्या लगा देना है, देन लगा देना है। ये टॉलर अपने साथ क्या ले लेगा, देन लेगा। अर्थात आप देखिए द टॉलेस्ट का कंपैरेटिव हो गया टॉलर देन। मैं बहुत अच्छे तरीके से साधारण शब्द में सिंपल लैंग्वेज में आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीजें आपको बहुत बारीकी से बनाने आ जाए, समझ नहीं आ जाए। अब दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बीच का ये जो स्टार आप देख रहे हैं, स्टार इन द सेंस कि यहाँ पर एक वर्ड आपको अलग से लगाना है, किस डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में। और ये वर्ड क्या होगा, एनी अदर, ये आपको याद रखना होगा कि कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदलते समय फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के बीच में अपनी तरफ से जिस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं वो शब्द होता है एनी अदर, ये ध्यान रखना है और ये आपको याद रखना है। तो इसके बीच में हम लोग जोड़ देंगे एनी अदर और उसके बाद जो चीजें हैं जस का तस उसको नोट कर देंगे। अब देखिए कैसे जवाब हमारा हो गया, ये हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा ये मोहन है, मोहन लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है उसको उतार देंगे, मोहन इज द टॉलेस्ट के बदले क्या लिख देंगे हम टॉलर, देन लिख दिए। उसके बीच उसके बाद में क्या लिखना है आपको, उसके बीच में एनी अदर है, एनी अदर अब इन्हें नोट कर दिया। फिर हो गया बॉय इन दिस क्लास इसको जस्ट कर दस को नोट कर देंगे, ये आपका कंपैरेटिव का जवाब हो गया। अब मैं आपको इसको हिंदी में समझाता हूँ कि सुपरलेटिव का क्या हिंदी हुआ और कंपैरेटिव का क्या हिंदी हुआ। देखिए इस डिग्री का, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मोहन इस क्लास का सबसे लंबा लड़का है, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन दिस क्लास, मोहन इस क्लास का सबसे लंबा लड़का है। और ये कह रहा है कि मोहन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन दिस क्लास, कहता है कि मोहन क्लास के बाकी बच्चों से लंबा है। तो कहने का मतलब जो है दोनों का सेम है, तरीका दोनों का। ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का ही क्वेश्चन है लेकिन ये सिर्फ द वाला है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन वन ऑफ द के फॉर्म से आता है, यानी कि सुपरलेटिव का जो सेकंड प्रकार है वो होता है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएं। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन लिखा है कि काश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया। देखिए जैसे यहाँ पर वन ऑफ लगा तो ये जो नाउन हमारा हुआ, ये नाम हमारा प्लेस से क्या बन गया, प्लेसेस हो गया, प्लूरल हो गया, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसका हमको कंपैरेटिव बनाना है, कैसे बनाएं, बहुत सिंपल है। इसमें भी वही चीज करेंगे, पहले सेंटेंस को दो भाग में बांटेंगे। तो पहला पार्ट हमारा एडजेक्टिव तक होगा, एडजेक्टिव्स में क्या दिखाई दे रहा है, कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो यहां तक हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, समझते चलिए। और places in India ये हमारा हो गया second part, ये हमने क्या किया sentence को दो भाग में बांट लिया। अब हम लोग adjective को change करेंगे superlative से comparative भाग, ये ही adjective है ना, beautiful adjective है, beautiful को superlative बनाने के लिए most लगा और superlative degree में compulsory होता है दर लग रहे से दर लग गया, और जो कि one of का case पढ़ रहे हैं हम लोग, ये one of से लेकर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इस पूरे को चेंज कर दिया, ये पूरा पार्ट चेंज होगा, यहाँ से हटेगा और इसके बदले में कंपैरेटिव लगाएंगे। तो मोस्ट का कंपैरेटिव होता है मोर,
ब्यूटीफुल को जस्ट स्टेटस उतार देंगे, और कंपैरेटिव है तो मैंने बताया कि देन आएगा ही आएगा, तो क्या करेंगे यहां पर देन लगा देंगे, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव हो गया मोर ब्यूटीफुल देन। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं कि जो सुपरलेटिव डिग्री जिसमें केवल द लगा हो उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बीच में एनी अदर जोड़ दीजिए, याद रखिए इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बीच में एनी अदर जोड़ेंगे, और जो वन ऑफ द होगा उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बीच में मोस्ट अदर जोड़ेंगे। ये आपको इंपॉर्टेंट रूल्स है जो याद रखना है। एनी अदर सिंगुलर होता है, मोस्ट अदर प्लूरल होता है, ये चीज याद। तो फिर आप बनाएंगे कैसे हम लोग, ये क्लास में ये सब्जेक्ट नंबर नोट कर देंगे, हिंदी पर नोट कर देंगे, और वन ऑफ से लेकर यहाँ तक ब्यूटीफुल तक गायब हो गया, इसके बदले क्या लगाना है आपको, मोर ब्यूटीफुल देन लिख दिया, उसके बाद में क्या लगाना है आपको, अलग से क्या जोड़ना है, ये चीजें आपको अलग से लानी है। मोस्ट अदर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मोस्ट अदर, बाकी क्या बच गया, प्लेसेस इन इंडिया, प्लेसेस इन इंडिया इसमें। ये आपका जवाब बनके तैयार हो गया कंपैरेटिव डिग्री का। अब बात करते हैं हम लोग हिंदी मीनिंग की, क्या हिंदी मीनिंग होगा सुपरलेटिव और कंपैरेटिव सेंटेंस का। ये कहता है कि कश्मीर भारत के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। आप समझिएगा, कश्मीर भारत के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, और ये कहता है कि कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर प्लेसेस इन इंडिया। भारत में अधिकतर खूबसूरत जगहों में कश्मीर सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो दोनों सेंटेंस का जो सेंस नहीं बदला, कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल, कश्मीर ज्यादा सुंदर है देन मोस्ट अदर प्लेसेस इन इंडिया। भारत में जितनी भी जगहें हैं, जितनी भी जगहें हैं उसमें सबसे ज्यादा कश्मीर सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ जो एग्जाम्स में अक्सर आता है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एनी अदर जो होता है वो सिंगुलर होता है, और मोस्ट अदर जो होता है वो प्लूरल होता है। तो याद क्या रखना है आपको कि एनी अदर के बाद का नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, ये आपको याद रखना है, नाउन सिंगुलर होगा, और मोस्ट अदर के बाद का जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, हमेशा आपको प्लूरल है। अब देखिए एक क्वेश्चन, मोहन इज टॉलर देन एनी अदर, ये देखिए बॉय, ये कभी भी एनी अदर के बाद कभी भी प्लूरल नाउन नहीं होगा, और मोस्ट अदर के बाद कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं होगा। ये आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछता है, और लोगों को ये चीज याद नहीं रख पाते हैं, और इसलिए उसे गलती बताती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंपटीटिव डिग्री पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका प्रैक्टिस करें, बुक से बनाएं क्वेश्चन, जितना अधिक से अधिक हो सके इस पर क्वेश्चन बनाएं, प्रैक्टिस करें, और मुझे पूरा यकीन है कि आपसे गलती नहीं होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, जाते जाते मैं बस आपसे यही अपील करूंगा कि आप जितना अधिक से अधिक हो सके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।